हेलो, कैसे हो? आज हम सभी रॉकेट लॉन्चर नंबर को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले चैप्टर का आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इनमें से हो सकता है कि कोई एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाए, तो मेरे साथ वीडियो में बने रहें। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें, और आपको इस वीडियो में क्या हेल्प मिला, ठीक है? इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से क्या हेल्प मिला, कहां आपसे चूक हो रही थी, क्या आपने सीखा, ये सब भी कमेंट करके आप जरूर बताएं, ठीक है? चलिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है, चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है, ठीक है? ये प्रश्न आपका एनसीईआरटी का है और बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है ना? कब पूछा गया था? 2017 के किसी पेपर सेट में पूछा गया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है, किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा 5 एम्पियर से 0.0 एम्पियर तक गिरती है। बात क्लियर? मतलब जो समयांतराल दिया है, 0.1 सेकंड दे रखा है और धारा 5 एम्पियर से 0 एम्पियर तक गिर जाती है, मतलब जो डेल्टा आई होगा, धारा में जो परिवर्तन हुआ, वो 0 माइनस 5 बराबर आ गया -5 एम्पियर। हम जब डेल्टा आई निकालते हैं तो I2 माइनस होता है I1, मतलब धारा में परिवर्तन कितना हुआ, समयांतराल कितना लगा, 0.1 सेकेंड, धारा क्या हो गई, 5 एम्पियर से 0 एम्पियर चली गई, मतलब ये I2 का मान हो गया, ये I1 का मान हो गया, ठीक है? तो 0 में से 5 घटाए, -5। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर दे रखा है 200 वोल्ट, ठीक? तो परिपथ में स्वप्रेरकत्व का आकलन कीजिए। स्वप्रेरकत्व का मतलब L। अब आप देखो, क्योंकि L बराबर जो फार्मूला होता है ना, वो होता है -E/ΔI/ΔT, ठीक? तो L बराबर हो गया -200/ΔT, को ऊपर आप लेते चले जाओ, ये हो गया ΔT/ΔI, तो L बराबर हो गया 200 और डेल्टा टी की वैल्यू दी हुई है 0.1 और डेल्टा आई है आपका -5, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्लियर बात? 5 से 200 को कैंसिल कर दो, 5 का 20 40, 0.1। अब देखो, 40 के पास एक 10 है और इस 10 का जब 0.1 में गुणा करोगे, दशमलव खत्म हो जाएगा, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 4 × 10 और 0.1, ठीक? तो 10 का 0.1 में गुणा होगा तो 1 बराबर आ गया 4, और स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, हेनरी, ठीक है? यदि आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है तो आप बहुत जल्दी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, अरे तो बेसिक तरीके से करना है, बेसिक तरीके से आप सीख लो, ठीक है? मैं आपको एकदम बेसिक तरीके से ही कैलकुलेशन सिखाऊंगा, कि जिन बच्चों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही होगी वो भी धीरे धीरे सीख जाए। यदि आपका कैलकुलेशन तगड़ा है तो आप क्वेश्चंस को पढ़ो और फटाक से आंसर दे दो अपने कैलकुलेशन के तरीके से। कैलकुलेशन का तरीका थोड़ा सा इजी करो, इजी करोगे ना, गलत होने के चांसेस एकदम कम होंगे, ठीक? चलिए, ये बवाल क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ठीक है? इसका नाम है बवाल, क्योंकि ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है? क्या है प्रश्न? कह रहा है, 500 फेरों वाली कुंडली जिसका क्षेत्रफल, मैं एक एक लाइन पढ़ता जाऊंगा और क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको लिखता जाऊंगा। तो 500 फेरों वाली, फेरों वाली का मतलब क्या हो गया, n बराबर 500, कुंडली जिसका क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो क्षेत्रफल आपका हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी हम क्या करेंगे, इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। बहुत पहले से हम आपको बताते आ रहे हैं कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, 10^-2 से गुणा करेंगे, ठीक है? तो ये हो जाएगा 100 और सेंटीमीटर को क्या करेंगे, 10^-2 से गुणा कर देंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा, और यहाँ स्क्वायर है, क्यूब है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? सेंटीमीटर को मीटर में बदलने का सबसे ज़बरदस्त तरीका है, कभी कोई गलत नहीं होगा। 10^-2 क्या हो जाएगा, 4 मीटर स्क्वायर, 100 को हम लिख सकते हैं 10^2, 10^-4 मीटर स्क्वायर, बेस सेम है, पावर ऐड होगा, तो 2 में -4 को ऐड करेंगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है? तो ए बराबर हो गया
10^-2 मीटर स्क्वायर। फिर कह रहा है कि 0.1 सेकेंड में चुंबकीय क्षेत्र, मतलब डेल्टा टी समय अंतराल मतलब 0.1 सेकेंड में क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र 0.2 वेबर मीटर स्क्वायर से घटकर शून्य हो जाता है। ठीक है, मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र में जो परिवर्तन हो जा रहा है डेल्टा बी, क्या हो जा रहा है लास्ट में, शून्य हो जा रहा है। कहाँ से, 0.2 से। तो ये आपका हो जाएगा -0.2। बात क्लियर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। फिर कह रहा है कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ठीक है, तो हम पहले कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करते हैं, फिर आगे जो दिया हुआ है उसको बाद में पढ़ेंगे। कुंडली में हमको प्रेरित विद्युत वाहक बल की क्या करना है, गणना करना है। बात समझना, फार्मूला क्या होता है, ई बराबर होता है, फैराडे ने बताया था, -n डेल्टा फाई अपन डेल्टा टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा -n और डेल्टा फाई, यहाँ आप लिख सकते हो डेल्टा बी इंटू ए। बात क्लियर, डेल्टा टी, तो ई बराबर -n, फेरों की संख्या कितना दिया हुआ है, 500 और डेल्टा बी की वैल्यू क्या आ गई, -0.2। ठीक, क्षेत्रफल क्या दे रखा है, 10^-2। क्लियर बात, और समय अंतराल कितना है, 0.1। अब बड़े प्यार से हम इसको कैलकुलेट कर देंगे, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस। अब देखो 500 है ना, 500 को लिख दो 50×10। मैं क्यों लिखा हूँ अभी बताऊंगा, एकदम सिंपल कैलकुलेशन करता हूँ बच्चों। ठीक है, थोड़ा भी टफ कैलकुलेशन नहीं, यदि आपका कैलकुलेशन तगड़ा है तो आप और जल्दी कर सकते हो। 0.1 से दशमलव को हटा दो, उस साइड में 10 दशमलव जाएगा, तो 10 पे क्या हो जाएगा, जितना डिजिट खिसकेगा उतना माइनस हो जाएगा। ठीक, अब आप देखो ई बराबर आपका हो गया 50, और 10 का 0.2 में गुणा करोगे तो हो जाएगा 2, इसीलिए मैं 500 को 50 और 10 में तोड़ा। ठीक है, न्यूमेरिकल आपके हाथ में है, चाहे जैसे आप कर सकते हो, गुणे 10^-2। 10^-1 को ऊपर ले जाओ, 10^+1 हो गया। अब देखो 50 दूना कितना हो गया, 100। 10^-2 हो गया और ये 10^+1 हो गया। 100 को मैं लिख सकता हूँ 10^+2, और 10^-2 है इधर, इधर है 10^+1। ठीक, तो बेस सेम है, पावर ऐड होगा तो 2 है, -2 है, कैंसिल हो जाएगा दोनों ये, तो यहाँ आपका बचेगा 10^+1, मतलब 10 वोल्ट। बात क्लियर, अब आप देखें आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि कुंडली के तार का प्रतिरोध 10 ओम है, मतलब कुंडली के तार का प्रतिरोध कितना है, 10 ओम है, तो प्रेरित धारा ज्ञात कीजिए। तो प्रेरित धारा का सूत्र होता है बच्चों, प्रेरित धारा I बराबर होता है E/R। ठीक, और E की वैल्यू कितनी है, 10, R की वैल्यू कितनी, 10, तो 10 से 10 कैंसिल होगा तो कितना आएगा, 1, तो प्रेरित धारा हो गया 1 एम्पियर। ठीक है ना बवाल क्वेश्चन, बवाल तरीके से समझो। ठीक है, और जो भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है उसको आप क्लियर कर लो, क्लियर करने का माध्यम आपका कुछ भी हो सकता है, आप अच्छे से क्लियर करो। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पहले 2013 में एक बार बोर्ड एग्जाम में आया था। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र आपका दिया है 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, चुंबकीय क्षेत्र में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल की
एक आयताकार कुंडली 20 रेडियन पर सेकंड के नियत कोणीय वेग से घूम रहा है। अब क्लियर, कौन सा वेग है? कोणीय वेग से घूम रहा है। तो उत्पन्न अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका बच्चों फार्मूला होता है, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का होता है चुंबकीय फ्लक्स फाई इंटू कोणीय वेग। ठीक है, ये फार्मूला आप नोट कर लेना कॉपी पे। जब कोणीय वेग क्वेश्चन में दिया रहेगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स इंटू कोणीय वेग। बात क्लियर? अब आप देखो क्षेत्रफल आपका कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में बदलो, 10 गुणे सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 से माइनस 2 मीटर स्क्वायर ए, 10 पे माइनस 2 है, पावर 2 है, 2 दुना क्या हो गया 4 मीटर स्क्वायर। कुछ नहीं, पावर तो 1 है, बेस सेम पावर ऐड होगा तो 1 में माइनस 4 को ऐड करोगे तो माइनस 3 हो जाएगा। बात क्लियर बच्चों? फिर कह रहा है कोणीय वेग आपका 20 रेडियन दिया है, कोणीय वेग को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या दिया है 20 रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है, उत्पन्न अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स इंटू कोणीय वेग। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र होता है BA इंटू कोणीय वेग। BA होता है चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र इंटू कोणीय वेग। चुंबकीय क्षेत्र B की वैल्यू है 0.2, A की वैल्यू कितनी है 10 से पावर माइनस 3, कोणीय वेग कितना है 20। अब आप ध्यान दो, 20 का 0.2 में गुणा करो तो 20 से दूना तो होता है 40, लेकिन एक अंक के पहले जब दशमलव लगाएंगे तो ये 40 से क्या हो जाएगा 4, मतलब 4 × 10⁻³। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। बात क्लियर? चलिए देखते हैं, चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। क्या कह रहा है, दो गॉस की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बात समझिएगा, चुंबकीय क्षेत्र आपका दिया है 2 गॉस। ठीक, गॉस भी चुंबकीय क्षेत्र का एक मात्रक है, ठीक है ना। तो एक गॉस में 10⁻⁴ टेस्ला होता है। ठीक है, एक एक लाइन क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो गिव है ना उसको लिखते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे, तब न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। तो 2 गॉस में 2 × 10⁻⁴ टेस्ला हो जाएगा। ठीक, कह रहा है 10 × 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का, मतलब क्षेत्रफल आपका दे रखा है 10 × 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 × 20। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो क्या करते हैं, 10⁻² से गुणा करते हैं, तो 10 × 20 गुणे ये हो जाएगा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। क्लियर बात, तो 20 दहा में कितना हो गया 200 गुणे 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। क्लियर, अब 200 में क्या है, 2 × 10⁻² है गुणे 10⁻⁴ है, तो बेस सेम पावर ऐड, 2 में से 4 गया 10⁻² मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्षेत्रफल निकल के आ गया। फिर क्या कह रहा है, सबसे मेन चीज यहां पे है कि यदि लूप का तल क्षेत्र से 60 अंश पर झुका हो, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहीं पे समझना है, यदि आप 60 अंश लेके लगा देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो लूप का तल, यहां पे आप एक निंजा टेक्निक समझो, ऐसे आप 90 लिख लो, ठीक है, पहले 90 लिख लो, फिर यदि बोलेगा कि लूप का तल
चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। लूप का तल क्या है? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तो लंबवत है तो 90 में से घटाओ तो क्या आया? जीरो। जीरो क्या है? बी और बी व ए के मध्य कोण, बी व ए के मध्य कोण थीटा बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। बात क्लियर। यदि प्रश्न कहता है, यदि प्रश्न कहता है कि लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो 90 आप पहले से लिखे रहो, ये निंजा टेक्निक है समझने का, ठीक है। समांतर है मतलब जीरो है, तो 90 में से जीरो गया, क्या हो गया? 90। मतलब बी व ए के मध्य जो कोण हो जाएगा वो कितना डिग्री हो जाएगा? 90 अंश। अभी क्या पूछ रहा है कि 60 अंश में झुका हुआ है, तो 60 अंश में झुका हुआ है तो 90 में से 60 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 30। और बी व ए के मध्य का कोण क्या हो गया? 30 अंश। ये एक निंजा टेक्निक है समझने का, बात समझ गए, समझ में आना चाहिए चाहे जो टेक्निक हो। क्लियर। कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स की गणना करिए, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि लूप का तल, लूप का तल क्षेत्र से मतलब चुंबकीय क्षेत्र से 60 अंश कोण पर झुका है, ठीक है। तो इसलिए बी व ए के मध्य कोण, ठीक। अब इनके मध्य कोण क्या हो गया? इनके मध्य कोण हो गया थीटा बराबर 90 - 60 = 30। ऐसे प्रश्नों में बच्चे बहुत गलती करते हैं, जो कोण दिया रहता है वही कोण फार्मूले में रख के सॉल्व कर देते हैं और क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। बट आपको ऐसा नहीं करना है। 30 अंश हो गया। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो सूत्र होता है वो होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। क्लियर। तो बी डॉट ए को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा बी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू है 2 × 10⁻⁴। ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू है 2 × 10⁻², ठीक है। यहाँ पे अब आएगा आपका कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 30 अंश, ठीक। तो 2 × 2 में करोगे क्या होगा? 4। बेस सेम पावर ऐड तो -4 - 2 क्या हो गया? -6। और कॉस 30 अंश का वैल्यू होता है करड़ी में 3/2, ठीक है। तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। 2 × 2 = 4। तो 2 करड़ी में 3 को पहले लिख लो, 2 करड़ी में 3 × 10⁻⁶। क्या निकालना है? चुंबकीय फ्लक्स, और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। बात समझ गए। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था, दो चीज अलग आया इसमें, गॉस आ गया चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, और ये किस कोण पे झुका हुआ है, क्या कॉन्सेप्ट है, आप इसे नोट कर लेना। अन्य भी सवाल आप लगाते रहना, ठीक। आइए एक बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर दे रखा है एक्स टी का स्क्वायर, ठीक है। टी बराबर 3 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल 9 वोल्ट है, ठीक है। प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है? 9 वोल्ट है। कितने सेकंड पे? टी बराबर 3 सेकंड पे। हमें क्या निकालना है? एक्स का मान निकालना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल एंड टेक्निकल क्वेश्चन। आप जानिए पहले विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या होता है। फैराडे ने आपको बताया था कि जो विद्युत वाहक बल है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यदि आप इसको डिफ्रेंसिएशन फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा डी फाई अपान डी टी, ठीक है। माइनस का काम क्या है? माइनस ये प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा क्या है, ठीक है। ई बराबर होता है डी फाई बटे डी टी। तो सबसे पहले हम चुंबकीय फ्लक्स फाई का क्या करेंगे? डिफ्रेंसिएशन करेंगे। पिछले वीडियो में हम आपको डिफ्रेंसिएशन करना सिखाए थे,
ठीक है। यदि आपको डिफ्रेंसिएशन करने नहीं आता है तो पिछला दो वीडियो देख लें, उसमें हम डिफ्रेंसिएशन करना सिखाए थे आपको अच्छे से बेहतर तरीके से, तब आप इस क्वेश्चन को देखें, ठीक है। अब आप देखो तो फाई इक्वल्स टू दे रखा है एक्स टी स्क्वायर, तो टी के सापेक्ष हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो डी फाई अपन डी टी इक्वल टू डी अपन डी टी, और फाई की वैल्यू है एक्स टी स्क्वायर। अब आप देखो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है, सॉरी जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन होता है उसको छोड़ करके बाकी सब कांस्टेंट होते हैं, उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो एक्स को आप बाहर निकाल लो, यहाँ हो गया डी बाई डी टी टी का स्क्वायर एक्स, तो टी की स्क्वायर का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है टू टी। अब क्या हो जाएगा, डी फाई बाई डी टी इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स इंटू टू टी, ठीक है। और प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, ई बराबर होता है डी फाई अपन डी टी, ई की वैल्यू कितनी है 9 वोल्ट है, और डी फाई बाई डी टी है एक्स इंटू टू टी। अब हम क्या करेंगे, टी बराबर 3 सेकेंड पर, ठीक है, तो टी बराबर 3 सेकेंड पे 9 बराबर एक्स गुड़े 2 गुड़े 3, मतलब एक्स गुड़े 6, या 6 को आप इधर लाओ तो ये हो जाएगा 9 बटे 6 बराबर एक्स, तो 3 त्रिका 9 हो गया और 3 दुना 6, मतलब x बराबर हो गया 3/2 या 1.5, ठीक है। सिंपल एंड टेक्निकल क्वेश्चन, ठीक है। यदि हम इसका मात्रक निकालें तो क्या होगा, इधर है विद्युत वाहक बल, इसका मात्रक होगा वोल्ट, और इधर है आपका समय t, क्या है समय है, और इसको आप इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा मात्रक सेकेंड, तो इसको हम लिख सकते हैं वोल्ट बटे सेकेंड, क्लियर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप अपने आप लगा लेंगे, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, पढ़ के देखिए लगा पाते हैं कि नहीं, और आप अपने मन से लगाइए, ठीक है, फिर मैं सॉल्व करूंगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 फेरों वाली, मतलब n बराबर 100, 300 ओम प्रतिरोध वाली, r बराबर कितना दिया है 300 ओम, क्योंकि प्रतिरोध को r से रिप्रेजेंट करते हैं ना, एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में, मतलब डेल्टा टी बराबर दिया है 0.1 सेकंड, क्या होता है 0.6 वेबर से घटकर 0.4 वेबर रह जाता है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, क्या मतलब डेल्टा फाई का जो मान यहां पे दे रखा है, बाद में आपका चुंबकीय फ्लक्स 0.4 हो जा रहा है, और पहले क्या है 0.6, तो 0.4 में से 0.6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.2, लेकिन माइनस में आएगा, ठीक है, क्या वेबर। अब आप देखो क्या कह रहे हैं, कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर ज्ञात कीजिए, प्रेरित विभवांतर का मतलब आपको विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है तथा उसमें प्रवाहित धारा भी आपको निकालना है। सो सिंपल क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो सूत्र होगा वो क्या होता है, फैराडे ने आपको बता दिया था पहले ही, माइनस एन डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, ठीक, तो ई बराबर हो जाएगा माइनस एन, मतलब फेरों की संख्या कितना दिया हुआ है 100, ठीक है, पढ़ रहे हो ना यार, तो लाइक वाइक भी कर दिया करो ना, और समझ में आ रहा है थोड़ा कमेंट करके बताओ, ऐसे पढ़ते चले जा रहे हो लगातार, ठीक है, कर दिया करो। एन डेल्टा फाई क्या है, माइनस 0.2, और डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 0.1, ई माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा। अब 100 को आप देखो क्या लिख लो, 10 × 10, क्यों लिखा हूं आपको समझ में आ गया होगा, और 0.1 से 0.1 हटा लो तो ये हो जाएगा 1 × 10 − 1, 10, अब 10 का 0.2 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 2, और 10 पे माइनस 1 नीचे है ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 10 पे प्लस
एक, ठीक है। तो दस दहा में क्या हो गया, सौ, और सौ गुणे दो बराबर आ गया आपका 200 वोल्ट। बहुत इजी क्वेश्चन। फिर कह रहा है कि प्रवाहित धारा भी निकालिए, आर का मान कितना दिया हुआ है 300 ओम, तो प्रवाहित धारा जो हो जाएगा, प्रवाहित धारा आई बराबर हो जाएगा ई बटे आर। ई का मान कितना है 200, आर का मान कितना है 300, ठीक है। ये कट गया जीरो से, ये जीरो जीरो कट गया, क्या निकला 2/3 एम्पियर। क्लियर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके पहले भी किसी एक प्रश्न में इसी टाइप का सेम क्वेश्चन का हम डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है।